Hello, mommies! Welcome to the fourth episode of 15 Days Weightloss Challenge. So, moms, आप लोगों के बहुत response अच्छे आ रहे हैं, जिनको देखकर बहुत ही अच्छा feel हो रहा है, energetic feel हो रहा है. So, कल था Sunday, and I'm sure आपने अपने इस 15 Days Weightloss Challenge के साथ थोड़ा cheat तो किया होगा. So, अब time है अपने पूरे दिन के एक meal को एक healthy meal के साथ replace करने का. क्यों गीतांजलि? बिल्कुल देवा, और आज हम लेके आए हैं कुछ हेल्दी रेसिपीज जो बहुत ही फायदेमंद है वेट लॉस करने में, जिसमें 0% कोलेस्ट्रॉल है, बिल्कुल फैट फ्री है, प्लस हेल्दी है, जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी आती है और आप हेल्दी भी फील करते हो उसको. और आई गेस सैलेड रेसिपीज फिलिंग भी होती है, राइट? एग्जैक्टली. आप इन रेसिपीज को अपनी लंच से रिप्लेस कर सकते हो, ब्रंच से रिप्लेस कर सकते हो, बट रिप्लेस जरूर करना है, तभी वेट लॉस होगा. एंड आई एम श्योर आपने अपना शुगर इनटेक रिड्यूस कर दिया है और बाहर का ऑयली फूड वगैरह रिड्यूस कर दिया है. एक आध दिन जो संडे था उसमें चीट चलता है, बट ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स इफ यू आर फॉलोइंग दिस वेट लॉस चैलेंज. अगर आप फॉलो करोगे सैलेड्स और हमारी एक्सरसाइजेस वेट लॉस में, तभी आपको इफेक्ट आएगा, वरना नहीं आएगा. बिल्कुल. सो लेट्स स्टार्ट. यस देवा, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपना बनाएंगे स्प्राउट सैलेड. स्प्राउट सैलेड, ओके. तो स्प्राउट्स ये आपने कर लिए हैं ऑलरेडी, तो इसको हम रात को रखते हैं एक बाउल में, ओवरनाइट हम इसको सोक करते हैं एंड मॉर्निंग में, आई थिंक ये सबको पता है कि ये कैसे हम एक क्लोथ में डाल, मसलिन क्लोथ में इसको डाल के आप हैंग करके रख सकते हैं. And you bathe in 24 hours, ये आपके ऐसे ही इसके ये जो होते हैं ना रेडी हो जाते हैं. ओके ओके. इसके अंदर हमें चाहिए ये वॉश्ड स्प्राउट्स है, हमने ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ है यहाँ पे. ऑनियन, अनियंस, कुकुम्बर, टोमेटोस, कॉर्न्स, लेमन एंड सम ड्राई फ्रूट्स एंड पनीर ऑल्सो, दिस इज ऑप्शनल. ओके. एंड ये जो हमने वेजिटेबल्स इसमें दिखाए हैं, इसके अलावा भी कैप्सिकम हो गया या फिर जुकीनी हो गया या फिर देयर आर सो मेनी वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो ये हमारा जो एपिसोड है ये हेल्दी के लिए, और जो घर में अवेलेबल है मैं उसी के लिए बता रही हूँ. मॉम्स को रश करने की जरूरत नहीं, वो माइंड में एक हो जाता है सैलेड खाना ये नहीं है वो नहीं है. नो, आपके घर में जो वेजिटेबल्स है आप उसी को ही अगर आप यूज करते हो और बना के खाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में भी जाएगा और आपकी माइंड में टेंशन नहीं होगी कि ये वाला वेजिटेबल ही डाल रहा है. दैट्स व्हाई हमने वो वेजिटेबल आपको दिखाया जो बहुत इजीली हमारे घर पे एनी टाइम होते हैं. ठीक है, ये सब आई गेस बहुत इजीली अवेलेबल होता है हमारे घर में, सबके घर में. तो हम इन्हीं चीजों को यूज करके आज सैलेड बना रहे हैं. अपना फर्स्ट सैलेड रेसिपी हम आपको दिखाते हैं. तो सबसे पहले मैं देवा बॉइल कर रही हूँ. मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि स्प्राउट्स को हमें थोड़े से पानी में हमें इसे बॉइल करना होता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी डालोगे और फिर उस पानी को फेंक दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. आप उतना ही पानी डालिए जितना उसको मतलब जितने में वो सॉफ्ट हो जाए बस. तो हमें इसमें सॉल्ट इसी में डालना है? नहीं, इसमें नहीं डालना. इसको हमें सिर्फ एक होती है ना स्टीम आनी चाहिए, जैसे जब आप खाओगे तो आपके माउथ में हार्डनेस नहीं आनी चाहिए. स्प्राउट्स इटसेल्फ थोड़े से हार्ड होते हैं, बट अगर हम बॉइल करते हैं तो सॉफ्टनेस होंगे, सो हम इजीली खा लेते हैं उसको. सो ये कॉर्न्स भी बॉइल्ड है, राइट? या ये कॉर्न्स हमने पहले ही बॉइल करके रखे हैं, ये भी इन जस्ट वन बॉइल. और अगर बहुत हॉट वाटर है आप उसके अंदर रख के और ढक देते हैं तो फिर तब भी ये इजीली हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में फ्रोजन कॉर्न्स ऑलरेडी अवेलेबल है और आप नॉर्मल कॉर्न्स भी हमारे को कॉर्न्स आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो. ओके, तो श्योर मॉमीज आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे होगे हमारे साथ, जैसे हम डेली मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज करवाते हैं. और ये रेसिपीज भी आप, जैसे हमने डिटॉक्स ड्रिंक भी आपको बताया था, तो वो भी आप जरूर ले रहे होगे एंटी स्टमक. एग्जैक्टली मॉम्स, क्योंकि जो भी हम आपको बता रहे हैं सब वेट लॉस से रिलेटेड ही है. इन सबको हमारे साथ फॉलो करते रहिए, जैसे हम फॉलो कर रहे हैं आप भी फॉलो करेंगे, आपको भी डेफिनेटली अपनी बॉडी में वेट लॉस या इंच लॉस तो जरूर दिखेगा. सो इवन आई एम फीलिंग कि मेरे को थोड़ा सा मे बी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ है, लेकिन आई एम फीलिंग लिटिल लाइटर. एग्जैक्टली, हम डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज और फूड भी अपना, हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज जब हम सुबह उठते हैं थोड़ी सी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, प्लस बॉडी में एक इम्यूनिटी पावर आती है, एक पॉजिटिविटी आती है, माइंड में फ्रेशनेस फील होती है. यस, सो आई थिंक ये देखो बॉइल डाल रहे हैं. ओके, तो अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं.
तो इसको मम्मी हम ऐसे सीव कर लेंगे, पूरा पानी उसका निकल जाना चाहिए। आप पैन में किसी भी चीज में आप ऐसे इसको बहुत ज्यादा बॉईल मत करना, अदरवाइज इसके जितने भी न्यूट्रिशियस होते हैं वो सारे निकल जाएंगे और आपको खाने में भी क्रंच नहीं आएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आई एम श्योर इसको हम चेंज करा देते हैं, हमारे जैसे सारे थोड़ा सा हम इसको ठंडा करते हैं। आई गेस सैलेड थोड़ा ठंडा ही अच्छा लगता है फ्रिज में। Exactly. मैं अभी यही आपको बताने वाली थी देवा कि इसको बनाने के बाद हम फ्रिज में चिल करने के लिए रख सकते हैं, गर्म नहीं खा सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी और इसकी स्टीम निकालते हैं। आप इसको ऐसे भी रॉ भी टेस्ट कर सकते हैं, आप करके देखो देगा टेस्ट ठीक है इसका। ठीक है सो मॉम, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बॉइल कर दोगे, सब अलग 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 हो जाते हैं जो हमारे तो ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, आप जितना क्वांटिटी का बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से सारी चीजें। और अगर आप स्प्राउट्स कम वेजिटेबल ज्यादा लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बिकॉज हमें वन बाउल फिल करके खाना है, एक छोटी सी बाउल कटोरी में नहीं खाना है। एक बोल से बिकॉज आप ये सोचो आप अपनी वन मील स्किप कर रहे हो, तो आपको उतना फूड चाहिए ही चाहिए। एंड सम कॉर्न्स, कॉर्न्स इटसेल्फ देवा बहुत टेस्टी होते हैं एंड ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। मैं तो कॉर्न सैलेड ही बना के खा लेती हूँ। एग्जैक्टली, आप सिर्फ कॉर्न सैलेड भी खा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पेपर डालिए। एंड समर में आई थिंक स्प्राउट्स एक ऐसा हेल्दी सैलेड है जो आपको अपनी मील में ऐड करना ही करना चाहिए, वो बहुत आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी देता है एंड इज वेरी टेस्टी। सो मैं इसके अंदर सारे मेरे वेजिटेबल्स ऐड कर दिए, मैं इसमें लेमन स्क्वीज कर रही हूँ। लेमन तो हम यूज करते हैं वेट लॉस के लिए, तो विदाउट लेमन तो सैलेड वैसे कंप्लीट नहीं हो सकता। यस, जो लेमन का टैंगी टेस्ट होता है वो बहुत जरूरी है एक सैलेड के लिए। अभी वो पेपर एंड सॉल्ट डाल दो। तो मॉम्स आप चाट मसाला यूज कर सकते हो, हमने चाट मसाला यूज किया है। सॉल्ट पेपर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अगर थोड़ा सा और आपको टेस्टी बनाना है बिट ऑफ रेड चिली, अदरवाइज ऑरेगानो यू कैन पुट, ऑलिव ऑयल वी कैन पुट, या ऑलिव ऑयल भी हम कर सकते हैं, बट ठीक है दैट्स टोटली डिपेंड ऑन मॉम्स चॉइस। यस, सो मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है, ये मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला ऑलरेडी डाल दिया। सो ये देखो आप देख सकते हो इट इज वेरी कलरफुल, इट्स वेरी कलरफुल एंड वेरी टेस्टी ऑल्सो। हम लोग डेली फूड में ही ले रहे हैं तो हमें पता है दिस इज आवर हेल्दी सैलेड। और ये देखो कितना इजीली रेडी हो गया है, सारी वेजिटेबल्स हमारे घर पे अवेलेबल थी। स्प्राउट्स में हमने रात को ही इसको ओवरनाइट सोक किया है, नेक्स्ट डे हमने एक मील को अपना रिप्लेस करके अब हम इसको यूज कर रहे हैं। आप एक टाइम पे ये स्प्राउट्स बना सकते हो और ये स्प्राउट्स दो तीन दिन तक तो इजीली चल जाते हैं अगर आप फ्रिज में रखोगे तो। एग्जैक्टली, बट वेजिटेबल्स मिक्स करके मत, नहीं बिल्कुल नहीं, आप वैसे रॉ रखोगे तो चल, उसमें पैक करके आप रख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द अदर वन। यस, अब हम अपना दूसरा सैलेड रेडी करते हैं। सो मॉम्स हम आपको ये दो टाइप के सैलेड बता रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक सैलेड से दूसरे सैलेड या थ्री या फोर सैलेड भी इसी आप इंग्रेडिएंट से कैसे यू कैन मेक। यस ओके, सो दिस इज अ चिकपी सैलेड, ये बॉइल्ड है, इसको भी मैंने रात को ओवरनाइट सोक किया है एंड इसको मैंने 2-3 विसल दिया विद नमक एंड हल्दी। सो आई लव चिकपी सैलेड, मुझे ये सैलेड बहुत पसंद है एंड इवन ये बहुत हेल्दी होता है और इससे टमी बहुत जल्दी फुल होती है। अगर आपने देखा होगा आप नॉर्मल छोले भी खा रहे हो तो बहुत जल्दी फुल करता है एंड उसमें तो बहुत ऑयल मसाला होता है भटूरों वाले छोलों में, बट इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी हेल्दी। सो इसमें भी देवा सेम हम अनियंस, वी नीड मोर अनियंस, थैंक यू, वी नीड अ मेड बिट ऑफ टमाटर। इसमें भी सेम देवा मैं वही वेजिटेबल्स यूज कर रही हूँ जो हमारे घर सेम, ये अनियन टोमेटोज ये सब तो हर सैलेड में जाता है, जैसे अनियन हमारे घर में सब्जियां बनती है उनमें भी टमाटो अनियन होते हैं, वैसे ही आपके सैलेड्स में भी जाए। यस, अदर इंग्रेडिएंट्स सेम एज़ बिफोर,
समर में कुकुम्बर बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, इवन ये समर का ही है, समर में ही कुकुम्बर। सो मॉम्स, अगर आपको जैसे आपके जो जो आपकी क्रेविंग होती है शाम की और ये सब, कभी कभी जब कुछ कुछ खाने का मन करता रहता है, तो वो क्रेविंग्स आप जैसे आपने कुकुम्बर के स्लाइस को, एक कुकुम्बर को कट करके खा लीजिए, ये सब खाने से आपका वेट गेन नहीं होगा। एक्चुअली जैसे कितनी बार होता है, मॉर्निंग में बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हमें क्रेविंग होनी स्टार्ट हो जाती है अराउंड 12 o'clock, और लंच का भी टाइम नहीं होता है ब्रेकफास्ट का भी। सो दिस इज द परफेक्ट सैलेड ऑफ दिस टाइम, आप ये वाले टाइम पे ये वाले सैलेड बना के खा सकते हो। ऑफ कोर्स आपको एक दिन पहले थोड़ा सा माइंड मेकअप करना पड़ेगा, बट अगर ये आप 2-3 days तक भी आप स्टोर कर सकते हो बॉइल चना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हम ये पनीर डालने वाले हैं, एंड इसके अंदर देखो मैं पनीर कैच कर रही हूँ, एंड इस पनीर को आप 2 ways से ऐड कर सकते हो, ऐसे भी और सारी चीजें रॉ ली हुई है, तो बेटर है कि आप इसको ऐसे ही डाल दो क्योंकि ये एक हेल्दी सैलेड है और सौते करने के लिए हमने सेम हमने इसके अंदर सॉल्ट एंड चाट मसाला दिए। और मैं आपको तब तक बता रही थी कि आपको अपनी वो जो क्रेविंग होती हैं शॉर्ट टाइम के लिए जो क्रेविंग होती हैं शाम की लंच से पहले की, तो आप उसमें आप एक कुकुम्बर कट करके खा लीजिए, या फिर पनीर सौते करके खा सकते हैं, कर्ड खा सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। तो आप ऐसी चीजें ट्राई कीजिए जिससे टमी फिल हो लेकिन आप फैटनिंग कुछ ना ले। exactly. हमारा देखो कितना कलरफुल है, कितना अच्छा लग रहा है, ये सैलेड रेडी हो गया। इसके अंदर चिक पीस है, पनीर है, आप थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें कुकुम्बर, एंड इसमें अगर आप देखोगे कुछ भी फैट वाला जो होता है जिससे हमारा वेट गेन होगा, कुछ भी नहीं। यस, एंड इट इज वेरी हेल्दी। अगर आप ये बाउल भर के सैलेड एक से किया इस पीस के अंदर, यस, तो कॉर्न हमने इसमें डाल दिए ऑलरेडी। इसके अंदर आप चॉप करके थोड़ा सा मिंच भी डाल सकते हो फॉर अ गुड टेस्ट, थोड़ी सी कोरिएंडर भी डाल सकते हो, हर्ब्स डाल सकते हो, ऑरेगानो जो होती है हर्ब्स भी डाल सकते हो। यस, उससे बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है। मैं आपको ये बता रही हूँ एक ही सैलेड को आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज में फॉर्मेशन ला सकते हैं। एग्जैक्टली, लाइक दिस इज द बटर, आप थोड़ा सा इस पनीर को सॉटे करोगे अगर पैन के अंदर, एंड देन उसके अंदर मिक्स करोगे तो थोड़ा सा अगर आपको लगेगा अपनी मील से स्विच करने में कि टाइम लग रहा है सैलेड्स में, तो अगर आप ऐसा कुछ करोगे आपको भी प्रॉब्लम नहीं। यस, सो आप ये सैलेड अभी हमने आपको वेजीज के साथ खाए हैं मॉम, तो आप ये सैलेड फ्रूट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। सारे फ्रूट्स चॉप करके कट कीजिए और फिर उनको लेमन स्क्वीज करके खा सकते हैं। तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन एक टाइम का मील आपको जरूर सैलेड के साथ रिप्लेस करना है, तभी आपको तभी आपका वेट लॉस होगा। एंड ये हमारे दो हेल्दी जो सैलेड्स मैंने, ये बहुत बहुत फायदेमंद सैलेड्स हैं वेट लॉस में एंड टमी फुल करते हैं। आप इसका एक बाउल भर के सैलेड कर लो, आई एम श्योर आपको 2-3 hours तक एक्चुअली आपको नीड नहीं लगेगी कि हमें कुछ खाने का मन कर रहा है या नहीं, और आपके माइंड में ऑलरेडी होगा कि मेरे को वेट लॉस करना है। यस, सो मॉम्स आपके लिए ये चैलेंज कितना हेल्पफुल है, आप ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। Exactly. और आपको अपने साथ जुड़े रहते देखेंगे तो हम भी और कोशिश करेंगे कि हम और बेटर कर सके, एंड हम अपने आगे वाले एपिसोड्स में भी आपके लिए ऐसे ही हेल्दी रेसिपीज, वेट लॉस रेसिपीज लाते रहेंगे, और साथ में एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइजेस ऑफ कोर्स। मॉम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस चैलेंज, 15 days वेट लॉस चैलेंज। सो okay moms, bye and see you tomorrow.